चित्तौड़ गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर का खजाना खुला, राशि देख लोग हैरान। चित्तौड़ गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर के खजाने को देख लोग हो जाते हैं हैरान। हर रोज हजारों की संख्या में पहुंचते हैं। मई जून के खजाने के खुलने के बाद लोग हुए हैरान। नमस्कार, द खबरदार न्यूज में आपका स्वागत है। चित्तौड़गढ़ का सांवलिया सेठ मंदिर आस्था का केंद्र है। लोगों की उसे मंदिर के प्रति इतनी अटूट आस्था और विश्वास है कि लोग मन्नत मांगने, अपनी मन्नत पूरी करने मंदिर जाते हैं। लोगों का मानना है कि वहां सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जितने भी श्रद्धालु मंदिर जाते हैं वहां दान जरूर करते हैं। इस मंदिर के दान पत्र कुछ कुछ समय में खोले जाते हैं और इस बार जो यहां खजाना खुला है और उसमें जो नगद राशि मिली है वह सच में हैरान करने वाली है। चित्तौड़गढ़ के कृष्णधाम सांवलिया सेठ मंदिर में रोजाना हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं और वहां अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ावा चढ़ाते हैं। महीने में जब दान पत्र खोला जाता है तो इसके नगद गिरने में काफी दिन लग जाते हैं। बता दें कि यहाँ चढ़ावे में केवल नगद ही नहीं बल्कि सोने चांदी के जेवरात, बिस्किट एवं और भी चीजें मिलती हैं। मंदिर में मई जून का खजाना खोला गया। खजाने के खुलने के बाद सभी धनराशि और आभूषण देख हैरान रह गए। दान पत्र में कुल 17 करोड़ रुपए नगद और करीब 2 किलो सोना चांदी के जेवरात मिले। इसके अलावा सोने के 15 बिस्किट मिले हैं। मिली जानकारी के अनुसार कृष्णधाम सांवलिया सेठ मंदिर में भंडारा 5 जून को खोला गया था और 4 चरणों में लगभग 13.48 करोड़ रुपए गिने गए। इसके अलावा ऑनलाइन और भेंट कक्षा से 3.65 करोड़ रुपए यानी कुल चढ़ावा 17.3 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। यहां चढ़ावे में चांदी के आभूषण की बात करें तो इस बार खजाने से 68 किलो की चांदी के आभूषण निकले हैं। बता दें कि दान पत्र खोले जाने के बाद राशि गिरने के लिए कई लोग लगते हैं और नोटों की गड्डियां बनाई जाती है और उसे एक जगह रखा जाता है। इस मंदिर के खजाने से इतनी राशियां निकलना सच में लोगों को हैरान कर जाता है। ऐसे ही रोचक मनोरंजन और देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहें द खबरदार न्यूज और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।